हाँ दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपके आरओ एआरओ परीक्षा, आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी का पुस्तक लेके आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन जरूर करें। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लेकर आया है, जहाँ पे एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास, इस फाउंडेशन कोर्स से रिलेटेड कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जहां पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपके अनुसूची से रिलेटेड है, ठीक है, शेड्यूल से रिलेटेड है। संविधान की 9वीं अनुसूची के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए बोला गया है। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जो कि आपका बिल्कुल सही है। जब हम 9th शेड्यूल की बात करते हैं तो 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ही जोड़ा गया है। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं? दोनों ही। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर आपका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लास, जब भी हम 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों को इस अनुसूची के तहत वर्णित किया गया है। तो जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की बात की गई है, तो अगर कभी भी पूछेगा एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम की बात किस शेड्यूल में की गई है, तो आप बताएंगे 9वीं अनुसूची में। अगर अनुच्छेद हम देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं अनुच्छेद 31B, ठीक है, ये इससे रिलेटेड है। अब आगे के प्रश्न हम देखने के पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे जो कि अनुसूची से रिलेटेड है। फर्स्ट शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या कहा गया है? फर्स्ट शेड्यूल में संघ और उसके क्षेत्र की बात की गई है। राज्य के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध किया गया है, साथ ही साथ केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय विस्तार को भी सूचीबद्ध किया गया है। आर्टिकल देखेंगे, अनुच्छेद देखेंगे तो आर्टिकल 1, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 इससे रिलेटेड है। अब दूसरा अनुसूची हम देखते हैं, सेकंड शेड्यूल हम देखते हैं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से कई बार प्रश्न बना है। देखिए क्लास, जब भी आप सेकंड शेड्यूल पढ़िए ना, तो आप इस तरीके से पढ़िए। यहाँ पर हम सेंटर की बात करते हैं, संघ की बात करते हैं, हम इसकी बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, ठीक है, हम स्टेट्स की बात करते हैं। तो संघ में आपको पता है आपका इधर प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। फिर अगर हम इधर देखेंगे, यहाँ पर आपका गवर्नर लिख देती हूँ स्टेट के सामने में, ठीक है, राज्यपाल, फिर लोअर हाउस हो गया, लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया। यहाँ पर स्टेट में आपका लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो देखिए, जब हम सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, विशेषाधिकारों की बात कर रहे हैं, परिलब्धियों की बात कर रहे हैं, भत्तों की बात कर रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के भत्ते की बात करते हैं हम, गवर्नर के भत्ते की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के जो आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। यही इसी तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, हम उनके भत्तों की बात करते हैं। साथ ही साथ हम सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज और कैब की बात करते हैं। ये तीन याद रखिएगा। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो सेकेंड शेड्यूल की जब भी बात आएगी तो हम देखेंगे एक तरफ प्रेसिडेंट, फिर गवर्नर, फिर अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा राज्यसभा के, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव
काउंसिल के मतलब राज विधानसभाओं के, याद रखिएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, थर्ड शेड्यूल को देखते हैं। थर्ड शेड्यूल में हम क्या बात कर रहे हैं, ओथ की बात कर रहे हैं, हम शपथ की बात कर रहे हैं। हम किसके शपथ की बात कर रहे हैं, हम पार्लियामेंट में जितने भी आपके मेंबर्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। इसमें आपके यूनियन मिनिस्टर्स की ओथ की बात करते हैं, जो इलेक्शन में कैंडिडेट्स पार्लियामेंट के खड़े हो रहे हैं उनकी बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करते हैं। जब हम सेंटर पे पार्लियामेंट की बात करें तो स्टेट में हम लेजिस्लेचर की भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आप जो मिनिस्टर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, स्टेट लेजिस्लेचर के जो इलेक्शन कैंडिडेट्स हैं उन सबको, स्टेट मिनिस्टर्स को भी यहाँ पे ओथ की बात की जाएगी। प्लस अब जल्दी से रिपीट करो, वहां पे कौन था, क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जज थे और हाई कोर्ट के जज थे, ये तीन आपको याद रखने हैं। तो याद रखिएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज की बात हमने सेकेंड शेड्यूल में भी की है और थर्ड शेड्यूल में भी की है, लेकिन सेकेंड शेड्यूल में हमने प्रेसिडेंट की बात की है और प्रेसिडेंट की बात हम थर्ड शेड्यूल में नहीं करते हैं। ये चीज मैं आपको इतने आराम से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं परीक्षा में। अभी चीजें समझ में आ जाती हैं लेकिन जब परीक्षा में आप प्रेशर में रहते हो तो कंफ्यूज होते हो। अभी यहीं पर आपको पेपर में क्वेश्चन दे देगा कि इलेक्शन कमिश्नर के ओथ की बात की गई है या फिर इलेक्शन कमिश्नर के सैलरी की बात की गई है, तो आप कहेंगे नहीं, हमने कहीं भी इलेक्शन कमिश्नर या फाइनेंस कमिश्नर की बात नहीं की है। यहाँ पे क्या हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। अब हम फोर्थ शेड्यूल की बात करते हैं। फोर्थ शेड्यूल में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हम सीट्स की बात कर रहे हैं, एलोकेशन ऑफ सीट्स की बात कर रहे हैं, किसके लिए, राज्यसभा के लिए, जो कि हमारा एक परमानेंट हाउस है। फिफ्थ शेड्यूल में हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, वहां के जो एरियाज है उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। सिक्स शेड्यूल अगेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में पूछ लेता है कि सिक्स शेड्यूल में हमने किन किन स्टेट्स की बात की है। तो अगर आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स होंगे तो आपको याद होगा नो मनी इन एटीएम की बात हम करते हैं। जब सिक्स शेड्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे ए आपका असम के लिए है, टी आपका त्रिपुरा के लिए है और एम आपका मेघालय और मिजोरम के लिए है, यहाँ पे मणिपुर नहीं है। तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए मणिपुर को ऑप्शन में रखा जाता है मेघालय और मिजोरम के साथ, लेकिन आप याद रखेंगे नो मनी इन एटीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेवन शेड्यूल को देखते हैं। सेवन शेड्यूल देखिए, यहाँ पर हम लेजिस्लेटिव लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, संघ सूची की बात करते हैं, राज्य सूची की बात करते हैं और समवर्ती सूची की बात करते हैं। और अगर अनुच्छेद देखेंगे तो वो आर्टिकल 246 है, जो कि आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और पूछी जाती है, किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पांच सब्जेक्ट्स को, पांच जो आपके सब्जेक्ट्स थे उनको स्टेट लिस्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था, कॉन्करेंट लिस्ट में, समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा 42nd, किससे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कुछ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स को, पांच स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट को कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, जिसमें एजुकेशन था, ठीक है, ई से एजुकेशन था, फिर फॉरेस्ट था, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल और बर्ड्स उसमें होता है, वेट एंड मेजर की बात की गई थी और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की गई थी। ये भी याद रखेंगे आप लोग, इम्पोर्टेंट है, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। एट शेड्यूल को देखिए, एट शेड्यूल जो है वो लैंग्वेजेस से रिलेटेड है और हम 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट्स आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को ऐड कर दिया गया था एट शेड्यूल में। तो परीक्षा में प्रश्न बनता है कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किन किन लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, तो आप याद रखेंगे बीडीएमएस, बीडीएमएस में बोडो हो गया, ठीक है, डोगरी हो गया, मैथिली हो गया और संथाली हो गया। इसी तरीके से 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को ऐड किया गया था और 21st के थ्रू सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो मैंने डिस्कस किया। 9th शेड्यूल मैंने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया। अब 10th शेड्यूल को देखते हैं। 10th शेड्यूल की जब भी हम बात करते हैं तो ये दल बदल कानून से रिलेटेड है। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1985 में इसको जोड़ा गया
और ये आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल कानून की बात हम कर रहे हैं। 11th शेड्यूल आप सभी को पता है, ये पंचायती सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था, ठीक है। 12th जो है वो आपका म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है और इसको 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 11th शेड्यूल में पंचायत के अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो यहाँ पर आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं और म्युनिसिपैलिटी की हम बात करेंगे तो यहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए अध्यात्मक शासन प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और इसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड होता है कंट्री का वो प्रेसिडेंट ही होता है और इस सिस्टम में प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट वोटिंग के बेसिस पे चुना जाता है। तो दोनों ही आपके बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो देश का प्रमुख होता है, इसमें राष्ट्रपति सरकार का भी प्रमुख होता है और देश का भी प्रमुख होता है और इसमें राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा कराया जाता है, डायरेक्ट वोटिंग के द्वारा, और इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। तो यही तो अंतर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपका एग्जीक्यूटिव है वो आपका लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, लेकिन जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह ही नहीं रखेगा, जो आपके राष्ट्रपति है कार्यपालिका है वो जवाबदेही नहीं देगी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं तो यहाँ पर जवाबदेही होती है। आपने खुद देखा है कि पूरा का पूरा लोकसभा आपका डिसॉल्व कर जाता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन होता है, चेक एंड बैलेंस है, हमारे भारत में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब एग्जीक्यूटिव जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में सही सुमेलित करिए, सही सुमेलित करिए, चलिए यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको आप एल्टीमीटर करिए यहाँ पर, चलिए यहाँ पे पहले दिया है एक्सेलेरोमीटर की अगर हम बात करें तो वाहन की चाल की वृद्धि दर को मापने का यंत्र है ये बिल्कुल सही है। एल्टीमीटर की बात करेंगे तो विमानों की ऊंचाई मापने हेतु तो ये प्रयुक्त यंत्र है, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता नापने हेतु तो यंत्र है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंस था, मैंने दोनों को सेम प्रश्न कर दिया है। एक्सेलेरोमीटर जो है वो मेजर करता है रेट ऑफ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, एल्टीमीटर जो है इट मेजर द एल्टीट्यूड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, और ऑडियोमीटर जो है वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया डी बताया है ना, देख लो एक बार, हाँ डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात की है, जो हीरा चमकता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, एकदम सही है। गर्म व ठंडे प्रदेशों में मारीचिका का दिखाई देना भी इसका उदाहरण है, एकदम सही है। क्लास जब आप रेगिस्तान में चलेंगे तो आपको लगेगा कि सामने एक तालाब है या पानी है कहीं पर, और जब आप चलते चलते उसके पास जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये किसके वजह से होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले आपके जीवाणु कौन कौन से हैं? नॉस्ट्रॉक जो है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, एकदम सही है। एनाबीना भी है, ठीक है, और यहाँ पे क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो भी है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी सही उत्तर है। क्लास एक चीज याद रखिएगा, हम एयर की बात करते हैं, कहते हैं एयर एक मिश्रण है, एयर एक मिक्सर है, इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है और भी कई गैसेस, लेकिन सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में हमारे पर्यावरण में है नाइट्रोजन, ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में, ये चीज आपको पता होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में
होने के बावजूद जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को कंज्यूम करते हैं नाइट्रेट के फॉर्म में। ये भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। देखिए हमारे वातावरण में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, 0.003 कुछ ऐसे करके प्रेजेंट है, लेकिन जो प्लांट्स है वो आराम से एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं प्रकाश संश्लेषण में और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। लेकिन हमारे जो प्लांट्स है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को पर्यावरण से नहीं कंज्यूम कर पाते हैं, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में पाचन का अधिकतम भाग संपन्न होता है कहाँ पर? डाइजेशन जो होती है वो आपका मैक्सिमम डाइजेशन किस पार्ट में होता है बताइए, स्टमक में, अमाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में या फिर यकृत में? तो जो डाइजेशन का आपका जो मैक्सिमम प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में संभव होता है। अब आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो बाइल जूस होता है, यहाँ पे आपके पैंक्रियाटिक जूस भी प्रेजेंट होते हैं। गॉल ब्लैडर से जो बाइल जूस निकलता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, ये चीज याद रखिएगा, आता है। चलिए इसमें अगला प्रश्न, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भि संधियों का वर्णन किया गया है, इसकी रचना विशाखा दत्त द्वारा की गई है। तो यहाँ पे देखिए मृच कटिकम दिया गया है, स्वप्नावास वत्ता लिखा दिया गया है, देवी चंद गुप्तम दिया गया है और मुद्राक्ष दिया गया है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट को सी और डी में आपको दिक्कत हो रही होगी। तो जब भी हम विशाखा दत्त के इंस्क्रिप्शन की बात करते हैं जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात की गई है सॉरी क्लास, तो वो आपका मुद्रा राक्षस है, डी आपका सही उत्तर है। देवी चंद गुप्तम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें रामगुप्त के समय की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। विशाखा दत्त की अन्य रचना देवी चंद गुप्तम से गुप्त वंश शासक रामगुप्त के विषय में सूचना प्राप्त होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, आप लोग पढ़िए तब तक मैं पानी पीऊं थोड़ा सा। मराठा, चलिए इस प्रश्न को हम देखते हैं, मराठा कराधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। चौथ विजित क्षेत्रों से वसूल किए जाने वाला कर था, सदेश मुखी आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था जो कि एक अतिरिक्त कर था। तो यहाँ पे आपके जो दोनों ही स्टेटमेंट दिए गए हैं वो बिल्कुल ही सही है और इस प्रश्न का आपका सही उत्तर जो है वो सी है, दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही है। देखिए अगर हम देखेंगे चौथ की अगर हम बात करेंगे तो चौथ एक सैन्य कर था जो कि तीसरी शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में वसूल किया जाता था, ठीक है। और सरदेशमुखी की हम बात करेंगे तो ये आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था जो कि एक अतिरिक्त कर था, याद रखिएगा। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेशमुख प्रधान मुखिया होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेशमुखी लेने का अधिकार था, ये चीज याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉनल्ड के द्वारा की गई सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिनटको, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड और लॉर्ड रीडिंग? आप में से ज्यादातर स्टूडेंट लॉर्ड विलिंगटन और इरविन में कंफ्यूज होंगे। देखिए क्लास जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उस समय ये बात चल रही रहती है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का होना जरूरी है। आप सभी को पता है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में INC पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों नहीं INC इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करती है? इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारत में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा रहता है जिसको कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहते हैं, CDM कहते हैं, ठीक है। CDM भारत में चल रहा रहता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं पार्टिसिपेट करती है। यहाँ पर देखा जाता है कि भारत में एक बहुत बड़ी पार्टी जो कांग्रेस है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब हम किसी कंक्लूजन में नहीं आ सकते हैं। इसीलिए फोन घुमाया जाता है, उस समय इरविन रहता और बोला जाता है ये इंश्योर करिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करे। आप लोगों को पता है गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसमें उनकी कुछ शर्तें होती हैं और इनकी कुछ शर्तें होती हैं, और बाद में कंक्लूजन ये निकलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पे पॉज लगा के महात्मा गांधी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने जाएंगे, ठीक है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे।
महात्मा गांधी जाते हैं आरटीसी में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, लेकिन यहां पर जो रामर से मैकडोनल्ड है वो किसकी बात करता है, सांप्रदायिक पंचाट की बात करता है, कम्युनल अवार्ड की बात करता है डिप्रेस सेक्शन के लिए। क्लास याद रखिएगा, गांधी इरविन पैक्ट साइन होने के बाद महात्मा गांधी जाते हैं, और जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा रहता है उस समय भारत का वॉइसरॉय इरविन से बदलकर कौन हो जाता है, लॉर्ड विलिंगटन हो जाता है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, ए होगा, ये चीज याद रखिएगा। बहुत से स्टूडेंट लॉर्ड इरविन में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन विलिंगटन होगा यहाँ पर। देखिए 16 अगस्त 1932 को 32 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की, और इस समय ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगटन था, ठीक है याद रखिएगा। और आपको पता है इसके बाद महात्मा गांधी जब वापस आते हैं तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट साइन होता है जिसको कि हम पूना पैक्ट कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था, कौन था बताइए, अकबर द्वितीय था, आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, या फिर बहादुर शाह द्वितीय था। तो ये आपका था अकबर द्वितीय, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे पुराने जलोढ़ मैदान को बांगर कहा जाता है या खादर मैदान की तुलना में कम उपजाऊ होता है। क्लास लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि जो बांगर होता है वो आपका लेस फर्टाइल होता है, यहाँ पे आपको पुरानी जलोढ़ मैदान होते हैं यहाँ पर, और जो आपका खादर होता है वो आपका ज्यादा उपजाऊ होता है, यहाँ पे नई जलोढ़ मैदान आपके प्रेजेंट होते हैं। अभी फिगर से क्लियर हो जाएगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही है, सी सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिए ये आपका खादर रीजन है जो कि नदी के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पे आपके न्यू एलुवियल सॉइल मिलेंगे, नई जलोढ़ मृदा होंगी और ये ज्यादा फर्टाइल होंगे। इधर हम देखेंगे तो इधर आपके ओल्ड एलुवियल सॉइल होंगे जो कि खादर के कंपैरिजन में कम उपजाऊ होंगे। आगे देखते हैं, किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है, तो बताइए किस कॉन्टिनेंट से, दक्षिण अमेरिका से, उत्तरी अमेरिका से, एशिया से, या फिर अफ्रीका से। तीनों रेखाएं जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है, डी आपका सही उत्तर होगा। फिगर में अगर हम देखें, यहाँ पर देख लीजिए ये अफ्रीका रहा, ठीक है, ऊपर आपको क्या दिख रहा है, कर्क रेखा दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, नीचे इक्वेटर दिख रहा है, और इधर आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, तो ये आपका अफ्रीका हो गया। अगला प्रश्न, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते हैं। देखिए क्लास, इसके पहले भी हमने धारवाड़ चट्टान की बात की है और गोडवाना की बात की है, और मैंने आपको बताया है जब भी हम धारवाड़ की बात करेंगे तो यहाँ से हमें खनिज मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, और गोडवाना की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमें फॉसिल्स मिलते हैं, ठीक है, कोयला मिलता है इन रीजन से। धारवाड़ रीजन जो है वो आर्चियन चट्टानों का जब सेडिमेंट हुआ तो धारवाड़ चट्टाने आपकी बनी, तो हम कह सकते हैं ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स है, ठीक है, जो कि आर्चियन रॉक से बनी, और ये ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों, ठीक है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन चट्टानों का, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है, इसलिए ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टाने है, इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इस क्रम की चट्टाने कर्नाटक के धारवाड़ व शिमोगा जिले में पाई जाती है, इसलिए इन्हें धारवाड़ नाम दिया गया। ये और इसके अलावा अगर भारत में देखेंगे तो कावेरी नदी घाटी, बेल्लारी जिला, जबलपुर की सासर पर्वतमाला और नागपुर गुजरात की चंपानेर पर्वतमाला में धारवाड़ रीजन आपको मिलता है। उत्तर भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टाने हिमालय की लद्दाख, जासकर, गढ़वाल और कुमायूं श्रेणी में भी मिलती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रदूषकों से होने वाले विभिन्न रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है, कैडमियम प्रदूषण से इटाई रोग होता है जो कि एकदम सही है, पेयजल में अगर नाइट्रेट की मात्रा ज्यादा होती है तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी आपका सही है, और पारा युक्त पानी की अगर हम बात करेंगे
ठीक है। मरकरी के प्रेजेंस की बात करेंगे तो मरकरी के प्रेजेंस से कौन सा रोग होता है, मिनामाता रोग होता है, ये भी सही है, ठीक है, सी भी सही है। इसमें बोला गया कौन सा कथन सही नहीं है, आखिरी में दिया है पेयजल में शीशा की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। देखिए क्लास, फ्लोरोसिस रोग जो है वो पेयजल में शीशा की अधिकता से नहीं होता है, वो फ्लोरीन की अधिकता से होता है। तो आपका गलत क्या है इसमें, डी गलत है, और उत्तर सही क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, पेयजल में फ्लोराइड की अधिकता से क्या होता है, फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे दांत एवं हड्डियां कमजोर होती हैं। आर्सेनिक युक्त अगर जल का प्रयोग करेंगे तो ब्लैकफुट नाम का चर्म रोग होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है बोला गया है, शामली, आगरा, झांसी या फिर बागपत। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो है शामली, ए आपका सही उत्तर है। उत्तर प्रदेश का मैप अगर हम देखेंगे तो शामली हमको यहाँ मिलेगी, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर हम सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो वो सहारनपुर है, सबसे ऊपर नॉर्थ में क्या है, सहारनपुर है, ठीक है। और सबसे दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो वो क्या कौन सा होगा, वो सोनभद्र होगा, ये रहा सोनभद्र। और पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया है सोनभद्र जो है वो अपनी बाउंड्री मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, इधर झारखंड और इधर बिहार के साथ शेयर करता है, ये चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, वह प्रजाति जो किसी पारितंत्र में अपनी संख्या एवं जीव भार में अल्पता के बावजूद व्यापक प्रभाव दर्शाती है उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक प्रजातियां कहते हैं, फाउंडेशन प्रजातियां कहते हैं, की स्टोन प्रजातियां कहते हैं या फिर अम्ब्रेला प्रजातियां कहते हैं। देखिए बोला गया है कि ये हमारे पर्यावरण में बहुत ज्यादा नंबर्स में नहीं होती है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा होता है, इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, की स्टोन प्रजातियां कहते हैं, सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। देखिए की स्टोन प्रजातियों की अवधारणा 1969 में जीव विज्ञानी रॉबर्ट टी पेन द्वारा प्रस्तुत की गई थी। या वह प्रजातियां हैं जो किसी पारितंत्र में अपनी संख्या एवं जीव भार में अल्पता के बावजूद व्यापक प्रभाव दर्शाती है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति नहीं है, तो इसमें से कौन सी जनजाति आपके अंडमान निकोबार में नहीं निवास करती है, मिशमी, सोमपेन या फिर जारवा। देखिए यहाँ पे जारवा और सोमपेन की हम बात करेंगे तो ये आपके अंडमान निकोबार में निवास करती है, लेकिन मिशमी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साइड दिखेगी, एपी लिख दे रही हूँ। तो कौन सी निवास नहीं करती, ए आपकी नहीं निवास करती है। उत्तर देखते हैं, ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निवास करने वाली जनजाति आपकी है ओंगे, ठीक है, जारवा, उत्तरी सेंटिनली, ठीक है, अंडमान निकोबारी और सोमपिन, याद रखिएगा। मिशमी मुख्यतः आपके नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में निवास करती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, ऑर्मुज जल संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है, ठीक है, दूसरा आपका दिया गया है यूएई ओमान को ईरान से अलग करती है, यूएई और ओमान को ईरान से अलग करती है। तो ये बिल्कुल सही है। देखिए क्लास एक चीज याद रखिएगा, जब भी हम जल संधि की बात करते हैं, स्ट्रेट की बात करते हैं, तो ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही रहती है, ठीक है, और दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। तो यहाँ पे आपका दोनों ही बिल्कुल सही है, सी सही उत्तर है। हम फिगर में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, तो ये दोनों को कनेक्ट कर रही है और अलग अलग किसको कर रही है, ईरान को यूएई और ओमान से अलग कर रही है, ये चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित शिक्षा आयोगों को व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए टेले कमीशन दिया है, सेडलर कमीशन दिया है, उसके बाद हंटर कमीशन दिया है और सर्जन कमीशन दिया है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि चार्ल्स जो है वो हंटर है, चार्ल्स हंटर, रेले जो है वो सैड है, ठीक है, और वो क्या कहती है, इट्स हर्ट,
सर्जेंट, समझ में आया? चार्ल्स जो है वो हंटर है, हंटिंग करता है। जो रेले है, एक लड़की है, वो सैड है और वो कहती है इट हर्ट, सर्जन से कहती है इट हर्ट सर्जन। तो ये आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैंने किसको अरेंज किया है, जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड कमीशन है। तो अगर हम देखेंगे चार्ल्स कमीशन, तो चार्ल्स कमीशन कब आया है, ये आपका 1854 में आया है, ठीक है। फिर हम देखेंगे हंटर कमीशन, तो ये 1882 में आया है। रेले कमीशन 902 में आया है। सेडलर कमीशन 1917 में आया है। और यहाँ पे हार्टोंग कमीशन की बात करेंगे तो ये 1929 में आया है, और सर्जन कमीशन 1944 में आया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, रेले सैड, ठीक है, जो रेले है वो सैड है, वो तो बाद में, उसके पहले चार्ल्स हंटर था, तो सबसे पहले तीन हो जाएगा, क्योंकि चार्ल्स कमीशन तो दिया नहीं है, हंटर दिया है, हंटर, फिर उसके बाद रेले कहती है, रेले सैड हो गई, दो हो गया, ठीक है, इट हर्ट सर्जन, तो 3-1-2-4, 3-1-2-4 बी में दिया गया है, तो यहाँ पे बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, चार्ल्स वुड समिति जो है 1854 में आई है, इसे हम भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हंटर कमीशन में हमने भारत में महिलाओं की शिक्षा के विकास की बात की, हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने, 1902 में सर थॉमस रेले द्वारा जो दिया गया था, इसमें भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किए गए थे, और ये लॉर्ड कर्जन था उस समय, याद रखिएगा। सेडलर कमीशन 1970, शिक्षा, स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया गया। हार्टोंग कमीशन, और फिर सॉरी क्लास, फिर आपका सर्जन कमीशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करनी है। विचार करिए, वेदों को अपौरुष पे भी कहा जाता है, और प्रसिद्ध वाक्य अस्तोमा सद्गमय ऋग्वेद से लिया गया है। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुष पे कहा जाता है, ये चीज याद रखिएगा। तो सी आपका सही उत्तर होगा, ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस भी किया है। अब देखिए क्लास, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, वेदों की रचना देवताओं द्वारा किए जाने के कारण इसे अपौरुष पेय भी कहा जाता है। वैदिक काल के लोगों द्वारा सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया जाता था। वैदिक काल में जनता से किए जाने वाले कर को बलि कहते थे, और प्रसिद्ध वाक्य जो है अस्तोमा सद्गमय, ये ऋग्वेद से लिया गया है। सत में जयते मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मोक्ष की चर्चा की बात उपनिषद में मिलती है, ठीक है, और नचिकेत और यम के बीच में जो संवाद है वो कठोप उपनिषद से मिलता है। मुंडोक उपनिषद की बात करेंगे तो मुंडोक उपनिषद में क्या कहा गया है कि यज्ञ एक ऐसी नौका है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। निष्काम कर्म सिद्धांत की बात ईशोप उपनिषद में की गई है, और सूतखोरी एवं महाजनी का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया है, और चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग की बात अथर्ववेद में की गई है। तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी तथा कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य हुआ। तो क्लास याद रखिएगा, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान विजेता रहे थे। जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन है उसमें वो भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय होती है, ठीक है। चंदावर के युद्ध की बात करेंगे तो ये 1194 में हुई है, और मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में। तो यहाँ पर आपका दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जौनपुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जौनपुर की स्थापना जो है वो जौना खान ने की थी, लिखा है। दूसरा है, जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से भी जाना जाता है। क्लास, जो पहला स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। क्यों? जो जौनपुर की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है।
ये चीज याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खान की स्मृति में की थी, ठीक है। और जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी हो जाएगा। अटाला मस्जिद की अगर हम बात करें तो अटाला मस्जिद जो है वो सर्क सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा बनाया गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है अटाला मस्जिद कहाँ पर है, तो वो जौनपुर में है। आगे बढ़ते हैं, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के संबंध में प्रावधान किस अनुसूची में, ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, अभी हमने डिस्कस किया कि 7 में, ठीक है, ये तो हमने डिस्कस किया है, बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज मैं देखू, ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता दी है पूरा, तो याद रखिएगा। अगला देखते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो बताइए अनुच्छेद 25 में, 26 में, 27 में या फिर 28 में। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में वर्णित है, याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर है। डायरेक्ट प्रश्न है तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की बात की गई है, जीएसटी काउंसिल के संदर्भ में चीजें दी गई है। यह एक संवैधानिक निकाय है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करता है, और फिर आखिरी में आपको दिया गया 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279(1) में जीएसटी परिषद का प्रावधान किया गया है। देखिए जीएसटी की अगर हम बात करें तो आपको पता है 101वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 279 में अगर जीएसटी की बात की गई है तो ये आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, ये तो ऑटोमेटिकली आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पहला तो आपका सही हो गया। यहाँ पर अगर हम बात करें कि इसकी जो अध्यक्षता है जीएसटी परिषद की वो केंद्रीय गृह मंत्री करता है, ये आपका गलत है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, 1 और 3, खाली 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रपति संसद के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसका किसका, वार्षिक वित्तीय विवरण का, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश करता है, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट पेश करता है। तो यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेसिडेंट जो है वो पेश करता है पार्लियामेंट में, एकदम सही है, ठीक है। जो कैग की रिपोर्ट है वो पेश करता है, ये भी सही है, और जो आपके बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट है ये भी पेश करता है, तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट 112, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या की जो रिपोर्ट है वो 151 में बोला गया है राष्ट्रपति संसद के सामने पेश करेगा, वित्त आयोग की सिफारिशों को भी पेश करता है, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को, पिछड़े वर्ग आयोग की रिपोर्ट को, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट को भी, और राष्ट्रीय संविधान के अंग्रेजी भाषा में किए गए प्रावधानों का हिंदी भाषा में अनुवाद भी प्रकाशित करवाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, अच्छे साबुन की विशेषता क्या है, अच्छे साबुन की विशेषता बताइए, आप सब लोग यूज करते हैं कि उसमें जो नमी है उसकी उपस्थिति 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए, दूसरा है या अल्कोहल में विलय होना चाहिए, फिर प्रयोग करते समय इसका चटकना, इसको चटखाना नहीं चाहिए और क्रैक्स नहीं पड़ने चाहिए, और इसमें मुक्त झार उपस्थित रहना चाहिए। तो गुड व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये पूछा गया है। तो क्लास याद रखिएगा, इसमें मुक्त झार उपस्थित रहना चाहिए, ये एक अच्छा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है साबुन का, अच्छे साबुन में इसमें मुक्त झार उपस्थित नहीं रहना चाहिए या अल्कोहल में विलय होना चाहिए, इसमें नमी 10% से अधिक होनी चाहिए और इसमें क्रैक्स नहीं पड़नी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, धूप चश्मों के लेंस बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रूक्स कांच, ठीक है, फ्लिंट कांच या फिर पायरेक्स कांच या फिर पोटास कांच। तो जो सनग्लासेस होती है उसमें हम क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अगर हम फ्लिंट ग्लास की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये कैमरा और दूरबीन के लेंसेस को बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और अगर हम पायरेक्स कांच की बात करेंगे तो ये आपका, इसको भी लेंसेस को बनाने के लिए यूज होता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा सुलावेसी द्वीप, डायरेक्ट प्रश्न है कि सुलावेसी द्वीप आपका कहां पर है, बताइए
प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो जो सुलावेसी द्वीप है ये आपका है इंडियन ओशियन में, ए सॉरी बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई क्लास। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थोड़ा सा गले में परेशानी होने के कारण आप लोगों की क्लास में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, वो मैं मानती हूँ, लेकिन आप लोग पढ़ाई मत छोड़िएगा, अपना पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, कोई भी परेशानी होती है मुझसे पूछिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्रश्नों के साथ। आप में से किसी भी स्टूडेंट्स को अगर डाउट होता है तो मुझे बताइएगा, फिर उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो।